मेरे इस वीडियो चैनल पर सभी दर्शकों का कुलदीप गौड़ के द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए अवग्रह के बारे में। बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है अवग्रह की अवधारणा क्या है, सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, अवग्रह एक इंग्लिश के एस के आकार के रूप में चिन्ह है, लिखने का एक चिन्ह है। वस्तुतः व्याकरण की दृष्टि से इसका कोई भी सिद्धांत नहीं है, परंतु जहां पूर्व रूप संधि होती है वहां यह खंडाकार या एस या अवग्रह लगाया जाता है। अर्थात एंगह पदांता दति सूत्र के द्वारा जहां पर पूर्व रूप हुआ होता है वहां पर यह खंडाकार लगाया जाता है। यह परंपरा है, याद रखिए, यह परंपरा है, यह कोई सिद्धांत नहीं है। व्याकरण शास्त्र ऐसा कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता है। इसका एक तर्क ही है कि जब संधि हो जाती है तो संधि का सूत्र जो चीज कहता है वह हो जाया करती है। इसके अतिरिक्त संधि को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह नहीं लगता। एंगह पदांता दति सूत्र कहता है कि पदांत एक के एंग के बाद ह्रस्व अकार हो तो दोनों को मिलकर के पूर्व रूप अर्थात पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। उदाहरण है हरे अव, हे हरे अव। हरे संबोधन का एक वचन है, पद है। इस पद के अंतिम में हरे में ए बैठा है, एंग में आता है। उसके बाद है अव में अकार, तो ए और अ दोनों को मिलकर के पूर्व रूप हो जाएगा। तो अ हरे के ए और अव के अ को मिलकर के पूर्व में रूप बैठा है ए, उसके जैसे हो जाएगा। तो इधर बैठा है ए हरे का ए, इधर बैठा है और अ, दोनों को मिलकर के ए हो जाएगा। तो जब ए हो जाता है, दोनों को मिलकर के कोई नया वर्ग होता है, तो उसको दिखाने के लिए दोबारा कुछ नहीं लगाते। उदाहरण के लिए जैसे आप दीर्घ संधि करते हैं, पुस्तक प्लस आलय, इधर पुस्तक में तकारोत्तरवर्ती अकार है, आगे आलय शब्द का आ है, इधर भी आ है, इधर भी आ है, दोनों के दोनों सवर्णी हैं और अक में आते हैं। तो अकह सवर्णी दीर्घ के द्वारा अक से सवर्णी अच पर में रहते दोनों को दीर्घ हो जाया करता है, तो दोनों को आ बना दिया जाता है, पुस्तकालय। तो क्या यहाँ आप दो अ को दिखाने के लिए कोई चिन्ह लगाते हैं? नहीं लगाते। इसी प्रकार से जहाँ पूर्व रूप संधि होती है वहाँ भी अ को दिखाने के लिए खंडाकार लगाने का कोई सिद्धांत नहीं है। तो ये परंपरा से प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भी खंडाकार लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पे पूर्व रूप संधि होती है वहाँ पर खंडाकार लगाने का प्रचलन है, परंपरा है। इसके अतिरिक्त जहाँ अ स्पष्ट नहीं होता, अर्थात यदि हम तीन अकारों की संधि कर ले तो तीनों अकारों को मिलकर के एक ही आ बनना है, तो यहाँ एक आ में कितने आ बैठे हुए हैं ये पता नहीं चलता। तो जहाँ पता नहीं चलता वहाँ स्पष्टीकरण के लिए खंडाकार लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप व्याकरण का ना झल्लो सूत्र देखें। ना झल्लो का विग्रह है न आ अज्जलो, तो न न में अंतिम में बैठा हुआ नकारोत्तरवर्ती अकार, उसके बाद है आ, उसके बाद है अच, तो न नकारोत्तरवर्ती अकार आ अच, इन तीनों आ को मिलकर के एक ही आ बनेगा जब आप दीर्घ संधि करने जाएंगे आ। तो यहाँ एक आ में कितने आ हैं वह दिखाने के लिए कहीं कहीं खंडाकार लगा दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसके अतिरिक्त वेदों में खंडाकार का नियम है, परंतु वह नियम आप वेदों के प्रातिशाख्यों द्वारा जान सकते हैं। वेदों में नियम है, वेदों में खंडाकार लगाने का नियम है, वह नियम आप प्रातिशाख्य जो प्रत्येक शाखा का व्याकरण या शिक्षा ग्रंथ कहे जाते हैं वहां से इस खंडाकार का नियम जान सकते हैं। लोक में जो मैं बता चुका हूँ वही है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपके काम में आएगी। तो इसको देखते रहें, मेरे YouTube चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद।